26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज के एक इलाके में दंगा हुआ। पुलिस का कहना है तमाम मुसलमान गिरफ्तार हुए। और मोटी कहानी पुलिस की यह है कि वहाँ पर हिंदू लड़के मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे तिरंगा लेकर, मुसलमान लोगों ने उनको रोका, उनको साथ मारपीट की, गोली चलाई, एक लड़का मर गया और मुसलमान लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, और उन्होंने तिरंगा ज़मीन पर फेंक दिया। ये मोटी कहानी है पुलिस की। 26 जनवरी कुछ ऐरा गहरा दिन नहीं है, रिपब्लिक डे है जहाँ पे मतलब बंदोबस्त होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे कासगंज का मामला हो या भीमा कोरेगांव का मामला हो, भीमा कोरेगांव में 5 लाख दलित भाई बहन इकट्ठा होने वाले थे और कोई पुलिस नहीं थी। उनको पता था कि 200 साल के मानने वाली थी दलित, बहुत बड़ा दिन था उनके लिए। और वहाँ पे पूरे संघी भगवाई वहाँ उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं और पूरे दलित भाई बहनों के ऊपर एफ आई आर लग जाता। और यहाँ पे 26 जनवरी में अब्दुल हमीद चौक में बहुत संजीदगी से गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी हो रही है और उसी वक्त ऐसे लोग वहां पे फंक्शन को डिस्टर्ब करने आते हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया फेस वीडियो पे एक दिन पहले। वो वीडियो भी हमारे पास है, अंशुमन चौहान का नाम है, नाम सब दिए गए हैं पुलिस के पास और इसके बावजूद बंदोबस्त पुलिस की होती नहीं है और रुकावट होती नहीं है। प्रशासन का एक सिद्धांत होता है कि किसी भी नए कार्यक्रम को जिसमें कहीं तनाव पैदा होने की गुंजाइश हो वो उसको इजाज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं कोई नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पिछले 4.5 साल में ये नई परंपराएं कैसे शुरू हो गई कि लोग मोटरसाइकिलें लेके और तिरंगा झंडा लेके और मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में जाते हैं, अम्बेडकर जयंती पर यात्रा निकलती है लेकिन नारे लगते हैं जय श्री राम। तो इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब ये घटना हुई है तो उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल तय कर लिया था कि हमें किसको फिक्स करना है। उन्होंने बिल्कुल टारगेट किया दूसरे ग्रुप को और जो लिखा पड़ी है उसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं, मैं बेवकूफ़ी उसको कहूँगा। कोई पुलिस की नौकरी वाला 2-4 साल वाला भी होगा तो इतनी बेवकूफ़ियाँ गड़बड़ियाँ नहीं करेगा जो इसमें की गई हैं, परंतु वो एक मकसद के साथ की गई है कि हमें जो मुसलमान है, मैं खुल के कहूँ जो मुसलमान है, उनको टारगेट करना है। और ये जो घटना हो गई है इस घटना में उनको मैक्सिमम जो है उलझा रहा है। इस देश में पिछले 4.5 साल से कुछ नए किस्म की घटनाएं होने लगी जो पहले नहीं होती थी और ये बड़े शर्म की बात है कि जिस देश में पहले से ही इतनी समस्याएं हैं, गरीबी का कोई हिसाब ही नहीं है। मनमोहन सिंह ने ये प्रधानमंत्री रहते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि इस देश के आधे बच्चे कुपोषण का शिकार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, आधी महिलाएं जो हैं खून की कमी का शिकार है। ऐसे देश में जहां लोग वास्तविक जिंदगी में गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हों, उसमें आके आप नए किस्म की समस्याएं कृत्रिम रूप से पैदा करें, ये मुझे लगता है बड़े शर्म की बात है। और ये महफिल का मैं इशारा बस पहले शाकिरा बेगम की तरफ लाना चाहूँगी जो हमारे साथ बैठी है और मुझे रो रो के कह रही थी एक घंटे से कि उनके 3 बेटे अंदर है, सलीम जावेद, नसीम जावेद, वसीम जावेद, शमीम के भाई, 3 भाई हैं। और तीनों को जब बेल मिलता है सेशंस कोर्ट से और हाई कोर्ट से तो ये बेहूदी सरकार रासुका लगा देती है ये कहते हुए कि उनका पता नहीं क्या सांप्रदायिक बैकग्राउंड था वगैरह। और उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे हुआ था कि आपके पास 27 केसों में से उनको बेल मिला 26 जनवरी को और फिर उसके उनके ऊपर रासुका लगा। तो ये जो तरीका है उत्तर प्रदेश की सरकार का रासुका लगाने का, NSA लगाने का, इसके लिए भी हमें उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कानून ही सरकारों के हाथ में एक बहुत ही जलील एक हथियार है। इस सारे मामले में पुलिस ने जानबूझकर गड़बड़ियां की हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ियां की हैं जो कि टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं और फैक्चुअल भी है, तथ्यात्मक भी इसमें मतलब त्रुटियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें अब एक इनके जो मुस्लिम पार्टी थी उसका एक की जमानत हुई और गवर्नमेंट ने क्या किया उसके ऊपर NSA लगा दिया
अब आप देखिए, एक तो आपने फर्जी तौर पे उनको फंसाया और उसके बाद अगर उनकी जमानत हो जाती है तो आप एनएसए लगा देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है और ये पुलिस को आपने मन से नहीं कर रही। मैं इस बात को, मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ 32 साल, मेरा तजर्बा है कि पुलिस अपने मन से थोड़ा करती है, अपने प्रेजुडिसेस होते हैं, अपने सब रुझान होते हैं, परंतु ज़्यादातर जो होता है वो ऊपर के आदेश से होता है, ऊपर की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन से होता है। तो हमने 92-93 में भी देखा और 2002 में भी देखा कि गोधरा अक्यूज के साथ एक रवैया चलता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और पोस्ट गोधरा अक्यूज को फटाफट 6 महीने के अंदर बेल मिल जाती है। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेटरी डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस है, दैट हैज रीच अनप्रेसिडेंटेड लिमिट्स, इट इज वेरी अनहेल्दी फॉर अ डेमोक्रेसी एंड द सिस्टम हैज टू बी मेड टू आंसर फॉर इट। 29th के केस डायरी एंट्री है जहां पे ये जो मोहन सिंह तोमर है जो सब इंस्पेक्टर, वो एंट्री करते हैं कि ये जो तीन लोग जो हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हैं, उनका नाम भी देते हैं और कहते हैं कि हिंदू विश्व वाहिनी के साथ जुड़े हुए हैं, वही संगठन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संगठन है, मगर कोई उसकी तरफ जांच नहीं बढ़ती, जांच उस तरफ बढ़ती ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसके पीछे कौन है, जाँच वहाँ पर जाती नहीं है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 29 जनवरी को बलबीर सिंह नाम के कांस्टेबल कहते हैं कि अनुकल्प चौहान, विशाल ठाकुर और सौरभ पाल तीनों का हाथ था हिंसा में, इनकी जांच नहीं होती, कुछ इंक्वायरी नहीं होती। कांस्टेबल कह रहा है मगर जांच नहीं होती, मगर जो मुसलमानों का नाम आता है उसकी जांच भी होती है, अरेस्ट भी होता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद बेल की बात आप सुन लीजिए, बरी फरार हो जाते हैं हिंदुत्व एक्टिविस्ट जो हैं, जिले से फरार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वहां रहेंगे तो शायद बवाल मचेगा, फरार हो जाते हैं। फिर वेरी कन्वीनियंटली 28 मार्च को अरेस्ट हो जाते हैं। 28 मार्च को अरेस्ट होने के बाद जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने 11-12 दिन के पास उनकी पेशी होती है, 9 अप्रैल को फटाफट उनको बेल मिल जाती है बिना कोई प्रॉब्लम, तो दे आर नाउ फ्री ऑन बेल। और बाकी जो लोग हैं 28, तीन के तो नाम मैंने लिए, इन ऑल 28 पीपल आर इन जेल विदाउट बेल, ऑल हैपन टू बी मुस्लिम्स। कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को, नागरिक को, भारत हिंदुस्तान को ये गैर बराबरी का जवाब देना पड़ेगा कि अगर हम आरोपियों को जात और समुदाय से जोड़ के इंसाफ उस तरह दिलाने की कोशिश करेंगे या नहीं दिलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर समुदाय, आवाम और जनता पे क्या असर होगा। डिस्क्रिमिनेटरी जस्टिस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। जो कम लोगों को पता है, जो शाकरा बेगम धीमी धीमी आवाज में आंखों के आंसू बह रहे हैं, उनको कह रही है 27 जनवरी के दिन हिंसा के बाद उनके घर पे हमला होता है, घर पे हमला होता है और पूरे उनके चीज लूटपाट देके सोना गहना बर्तन लूटे जाते हैं, उनके घर में अभी कुछ नहीं बचा है। ये ना देश की हेडलाइंस बनता है, ना टीवी पे डिबेट आता है। अभी अकेली वो तीन बहुओं के साथ, छोटे भाई, छोटे लड़के के साथ वो रह रही है। एक दुकान उनकी जो थी आज भी है, वो भी कई महीनों तक बंद थी। तो पालन पोषण के लिए रेपरेशन हम कहे, कॉम्पेंसेशन कहे, ये सवाल कौन उठाएगा, इज्जत का सवाल कौन उठाएगा, आर्थिक राजनीतिक मानसिक टॉर्चर का सवाल कौन उठाएगा। और आखिर मैं पता नहीं, मैं विनंती करूं या मैं टिप्पणी करूं, हमारे जो बिरादरी है हमारी पत्रकारिता की, ये कहीं ना कहीं अजीत की भी, वो पेशा अजीत का पत्रकार का है, हमारा भी, और कहीं ना कहीं हमें एक शर्म लगती है आजकल कि कहां तक हम पहुंचे हैं पत्रकारिता, कौन से मुद्दे डिस्कस होते हैं, कौन से मुद्दे नहीं डिस्कस होते हैं। कासगंज 26 जनवरी, मतलब अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर मोबाइल के वीडियो नहीं होते, तो वो भी हमें नहीं पता चलता कि क्या वो अब्दुल हमीद चौक में एक्चुअली क्या हो रहा था। वो तो पता ही चल गया देश को इमीजिएटली कि क्या हो रहा था और किस तरह की गैर बराबरी चल रही, मगर पत्रकारिता को क्या हो गया, हमारी मीडिया को क्या हो गया,
हमारे अखबारों और हमारे टेलीविजन चैनल्स को क्या हो गया है? ये सवाल हम पूछते रहेंगे, आप उनको टिप्पणी समझिए या विनंती समझिए, मगर जब तक ये देश में पत्रकारिता वापस कोई मॉरल पोजिशन पे नहीं आ जाएगी, एज अ फोर्थ एस्टेट इन अ डेमोक्रेसी वे यू आर सपोज टू निष्पक्ष होकर आपको सब देखना है, निष्पक्ष होकर आपको कोई भी इंसिडेंट को दिखाना है, किसी का फोन आया किसी का फोन नहीं आया, आप कौन से समुदाय से है वो सब देख के नहीं, कौन से जात से नहीं, या कौन से पॉलिटिकल लीडर को आपको खुश करना है, या आपके चैनल को कितना पैसा दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। माफ कीजिए, ये कैलकुलेशंस को लेकर ही आज मीडिया चल रही है। आप कुछ भी इसको कह दीजिए, देयर इज अ मॉरल डिक्रेपिट्यूड, इट इज ट्रैजिक, बट इट इज कॉस्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया।